पाकिस्तान क्रिकेट टीम का इस वर्ल्ड कप 2023 में सफर बद से बदतर होता चला गया। शुरुआत पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की इस वर्ल्ड कप में अच्छी खासी हुई थी। शुरुआत में लगातार 2 मैचेस जीते, लेकिन उसके बाद ऐसा डाउनफॉल आया कि वो कभी भी उठ नहीं पाए। पाकिस्तान को सब ने पीटा, क्या साउथ अफ्रीका और क्या इंडिया, हर किसी ने पाकिस्तान को एक तरफा धो डाला और पाकिस्तान इसी के साथ वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। अब सवाल उठ रहे हैं भैया बाबर आजम की कप्तानी पर, अब सवाल उठ रहे हैं पीसीबी पर, अब सवाल उठ रहे हैं पीसीबी की नियत पर। किसने सवाल एक बार फिर से खड़े कर दिए हैं, चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में, मैं हूं आपके साथ श्रद्धा पांडे। दरअसल बाबर आजम की कप्तानी पर आए दिन बड़े ज्यादा सवाल उठते रहते हैं, खासकर अब जब पाकिस्तान की टीम पहुंच चुकी अपने मुल्क वापस, क्योंकि उनका वर्ल्ड कप में सफर खत्म हो गया है। वहीं दूसरी तरफ हमारा भारत है जो लगातार जीत के साथ अब सेमीफाइनल्स खेलने को पूरी तरीके से तैयार है। हर जगह आलोचना हो रही है पाकिस्तान टीम की, और एक तरफ इसलिए भी आलोचना हो रही है क्योंकि भारत इतना आगे पहुंच गया और पाकिस्तान क्रिकेट टीम वहीं की वहीं रह गई। इसी कड़ी में बहुत सारे दिग्गज खिलाड़ियों ने पाकिस्तान पर, पीसीबी पर, बाबर आजम पर सवाल उठाए हैं, और ऐसा ही सवाल कुछ उठाया है पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर अब्दुल रजाक ने। दरअसल अब्दुल रजाक ने कुछ ऐसी चीज भी कह दी है सवाल उठाने के साथ साथ जो भारतीय फैंस को पसंद नहीं आएगी। उन्होंने किसी एक लीडिंग लेडी पर पॉइंट आउट कर दिया है, और ये लीडिंग लेडी हमारे भारत का गर्व मानी जाती है। ये लीडिंग लेडी बहुत बड़ी सितारा है, बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, वो कोई और नहीं, वो ऐश्वर्या राय बच्चन। ऐश्वर्या राय पर एक बहुत ही ज्यादा भद्दा कमेंट अब्दुल रजाक ने कर दिया है सवाल उठाते हुए पीसीबी और बाबर आजम पे। दरअसल एक शो के दौरान जब अब्दुल रजाक एक स्टेज पर मौजूद थे, साथ ही शाहिद अफरीदी थे और उमर गुल थे, साथ ही साथ बहुत ही सारे दिग्गज खिलाड़ी भी मौजूद थे, पूर्व दिग्गज खिलाड़ी मौजूद थे। इस पर पीसीबी की नियत पर एग्जाम्पल देते हुए उन्होंने कहा, अब्दुल रजाक ने कहा कि भाई अगर आप ऐश्वर्या राय से शादी करते हैं और आप सोच रहे हैं कि आदर्श बच्चे पैदा होंगे, तो ऐसा नहीं है। आपको अपनी नियत साफ रखनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इनकी नियत ही साफ नहीं थी, इनकी मतलब पीसीबी, इनकी नियत ही साफ नहीं थी, इसीलिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का वर्ल्ड कप में ये हश्र हुआ है जो अभी हम सब के सब देख रहे हैं। अब ये कमेंट लोगों को पसंद नहीं आया, खासकर इंडियन फैंस को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आई कि आप क्रिकेट में फालतू में ऐश्वर्या राय बच्चन को क्यों घसीट रहे हैं। और जायज भी है कि जब क्रिकेट की बात चल रही है तो आपको इस तरीके का भद्दा और ऊंचा कमेंट करना सोशल मीडिया पे, मतलब एक बड़े प्लेटफॉर्म पे जरूरी नहीं था। अब आप कमेंट्स करके बताइए अब्दुल रजाक की एक घटिया हरकत कैसी लगी आपको।